गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ जिया और आपका मेरे चैनल जिया की दुनिया में स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा, जो काफ़ी यमी एंड टेस्टी लगता है और बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाता है। ये चावल के साथ बहुत ज़्यादा यमी लगता है, एक बार बनाना तो बनता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्याज लेंगे जिसको हम कद्दूकस कर लिए हैं, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना, जीरा एक चम्मच, खाने वाला सोडा जिसको मीठा सोडा ये बोलते हैं वो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, 250 ग्राम बेसन। उसके बाद हम जो भी प्याज हरी मिर्च ये सारी चीज़ें थी वो हम इसमें ऐड करेंगे, पानी भी ऐड करेंगे और इसका घोल बनाएंगे। घोल पतला नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हो। साथ में इसमें हम नमक भी डालेंगे, इतना ही रखना है। एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे लगभग 3 चम्मच बड़े चम्मच, और ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम फुल रहेगा और जब तेल गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा पकौड़ी ऐड डाल करके देखेंगे कि ये तेल गर्म हो चुका है या नहीं। और ये तेल हमारा गर्म है, फिर धीरे धीरे हम सारे पकौड़े को आप अपने हिसाब से बना सकते हो, छोटे साइज का या बड़ा साइज का, उसको ऐड करेंगे। और आँच मीडियम रहेगा, दोनों साइड से हम इसे गोल्डन करेंगे। और ये देख सकते हो आप, ये पकौड़ी लगभग तैयार है और इसको साइड कर लेंगे निकाल करके। आप इसको ऐसे भी चाय से ये खा सकते हो, बहुत यमी एंड टेस्टी लगता है। अब हम बेसन के घोल के लिए हमें जीरा और सूखी लाल मिर्च की ज़रूरत होगी। ये लेंगे 1 चम्मच जीरा है और ये 50 ग्राम बेसन लेंगे। इसको एक बॉल में खाली करेंगे, आप देख सकते हो धीरे धीरे सारे बेसन को इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें सूखी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से और आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, हमें इसका घोल पतला चाहिए तो इसको हम पतला ही रखेंगे और ये इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये गुलटी ना हो रहे। आप देख सकते हो ये काफ़ी पतला है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हम देगची लेंगे, इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप चाहो तो कॉचून या कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा और सूखी मिर्च ऐड करेंगे और 2 सेकंड के लिए इसको छोड़ देंगे। और जब इसमें से धुआं निकलने लगे तो हम बेसन का जो घोल था वो इसमें ऐड करेंगे। ध्यान से ऐड करना है ताकि ना जले ना। आँच हम मीडियम रखेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी और ऐड करेंगे लगभग 1 कटोरी मीडियम साइज का, और इसको हम बराबर हमें चलाना है, ये नीचे से लगे ना। 5 मिनट तक हमें इसको कंटिन्यू चलाना होगा और ये धीरे धीरे जब तक ये उबाल नहीं आएगा तब तक ये ग्रेवी पकेगी नहीं। और इसका घोल देख सकते हैं, इसको बराबर चलाते रहना है। 2 उबाल आने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं अभी उबाल नहीं आया है, अभी इसका घोल काफ़ी पतला है। और ये देखिए अभी ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने स्टार्ट हो चुका है। इसमें सिर्फ 2 उबाल हमें लाने की ज़रूरत है। उसके बाद हम इसमें पकौड़ी डालेंगे, गैस एकदम मीडियम रखना है। और सारे पकौड़े को ऐड करने के बाद हमें 2 सेकंड के लिए इसमें फिर से पकाना ताकि ये पकौड़ी का जो इसका दाल है वो सोख ले। आप देख सकते हो गाढ़ा लगभग हो चुका है बेसन, फिर ये ठंडा होगा तो ये बेसन का दाल और गाढ़ा हो जाएगा। और ये हमारा बनकर तैयार है पकौड़ा, बहुत यमी एंड टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बनाइएगा और कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद कीजिएगा।
अगर आपको दही यूज़ करना है तो आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ।